बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जब भी ये मंत्र किसी के कानों पर पड़ता है तो उसका मन शांति से भर जाता है। शांति की प्रत्यक्ष मूर्ति भगवान बुद्ध। आज वैशाख पूर्णिमा है। पूरी दुनिया में आज का दिन बुद्ध पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। आज ही के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और आज ही के दिन उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हम भी आज प्रियम भारतम में आपके लिए भगवान बुद्ध के बारे में कुछ बातें लेकर आए हैं। भगवान बुद्ध के बारे में जितना कहा जाए, जितना सुना जाए वो कम ही है, पर हम कोशिश करेंगे ऐसी बातें बताने की जो शायद बहुत कम लोगों को पता हो। आज का ये वीडियो दो भागों में है। पहले भाग में भगवान बुद्ध के जीवन का इतिहास और दूसरे भाग में उनके धम्म के बारे में कुछ रोचक बातें। नमस्कार, प्रियम भारतम में आप सभी का स्वागत है। आज से लगभग 2500 साल पहले, मतलब यीशु के जन्म के 500 साल पहले, ईसा पूर्व 563 में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। नेपाल और भारत के सीमा के बीच कपिलवस्तु नाम का एक राज्य था। वहां पे शाक्य गणों का राज था। शाक्य गण के मुखिया शुद्धोदन और उनकी पत्नी महामाया को एक बेटा हुआ जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ के जन्म से पहले ही उसके बारे में भविष्यवाणियां हो गई थी। बड़े बड़े ऋषियों ने कहा था कि एक तो ये बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर कोई बड़ा धर्मवेत्ता, अर्थात राजा शुद्धोदन को उन्हें चक्रवर्ती राजा ही बनाना था। उन्होंने पूरी कोशिश की कि उन्हें कोई भी दुख ना मिले, वे ऐशो आराम से रहे, सारी सुख सुविधाएं उन्हें मिले, उन्हें कभी भी दुख का सामना ना करना पड़े। उनके बारे में ये कहानी तो बहुत ही प्रसिद्ध है कि उन्हें अपनी उम्र के 29 साल तक बुढ़ापा, मृत्यु और बीमारी जैसी बातें पता नहीं थी। एक दिन अचानक से उन्होंने एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी और एक शव यात्रा देखी और वे दुखी हो गए और इन दुखों का कारण ढूंढने के लिए उन्होंने राजपाट छोड़ दिया। पर लॉजिकली सोचा जाए तो क्या एक राजकुमार को 29 साल तक बीमारी, बुढ़ापा या मृत्यु जैसी महत्वपूर्ण बातें, घटनाएं पता ना हो? क्या ये पॉसिबल लगता है? यही प्रश्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने उनके बुद्धा एंड हिज धम्म इस किताब में किया है। उन्होंने अपने प्रस्तावना में कहा है कि भगवान बुद्ध को 29 साल तक मृत्यु के बारे में कुछ भी पता न हो, बीमारी के बारे में कुछ भी पता न हो, ये संभव नहीं लगता। और इसी प्रश्न का उत्तर उन्होंने भगवान बुद्ध के राजपाट छोड़ने का एक इतिहास और एक कहानी बताकर दिया। आइए देखते हैं, राजकुमार सिद्धार्थ पूरा राजपाट छोड़कर गौतम बुद्ध क्यों बने, इसके पीछे की कहानी। सिद्धार्थ बचपन से ही बड़े दयालु, शांतिप्रिय और अहिंसावादी थे। उन्हें शिकार पर जाना भी पसंद नहीं था। वे कभी अपने मित्रों के साथ शिकार पर नहीं जाते थे। निर्दोष प्राणियों को मारना तो दूर की बात, उन्हें मरते देखना भी उन्हें पसंद नहीं था। कपिलवस्तु में एक नदी बहा करती थी, रोहिणी नदी। उस नदी का पानी शाक्य राज्य के लोग और कोलीय राज्य के लोग दोनों लोग अपने खेतों के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस नदी के पानी पर बहुत विवाद था। एक बार ये विवाद बहुत बढ़ गया।
कुछ किसानों में हाथापाई हो गई। शाक्य गणों ने सभा बुलाई और निर्णय लिया कि कोलियों पर आक्रमण करके ये समस्या एक बार में खत्म कर देते हैं। सिद्धार्थ उस वक्त शाक्य सभा के सक्रिय कार्यकर्ता थे। उन्होंने इस युद्ध पर मान्यता नहीं दी, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा किसी भी समस्या का हल युद्ध नहीं हो सकता। शाक्य सेनापति को ये बात अच्छी नहीं लगी। तब सभा में सबके मत लिए गए और युद्ध को ही बहुमत मिला। बहुमत के खिलाफ तो सिद्धार्थ कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने विनती की कि इस युद्ध में सहभागी होने के लिए युवकों को सख्ती ना की जाए। अब तो सेनापति क्रोधित हो गए। उन्हें एक राजकुमार ने युद्ध का विरोध करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने सिद्धार्थ को दंड देना चाहा, लेकिन तब के नियम के अनुसार राजकुमार सिद्धार्थ को मृत्यु दंड या राजपाट छोड़ देने का दंड, राज त्याग करने का दंड सिर्फ कौशल नरेश दे सकते थे। सेनापति का वो अधिकार नहीं था। तब सेनापति ने क्रोधित होकर कहा कि अगर तुम युद्ध का विरोध करते रहोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को बहिष्कृत कर दूंगा, उनके सारी खेती, उनकी संपत्ति जब्त कर दूंगा। सिद्धार्थ ने सोचा, ये विचार मेरा है, मेरे परिवार वालों का नहीं है। मेरे विचार के लिए मेरे परिवार वालों को शिक्षा क्यों मिले? तब उन्होंने कहा, मेरे परिवार को मेरे विचारों के लिए शिक्षा देना उचित नहीं है। मैं खुद ये राज कपिल वस्तु छोड़ के निकल जाता हूँ। अपनी वजह से अपने परिवार पर आंच आए ये भी उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इस वजह से युद्ध को मान्यता देना भी उन्हें उचित नहीं लग रहा था। हिंसा उनके तत्वों में नहीं बैठती, इसलिए उन्होंने सभा में कहा कि मैं दंड स्वीकार करता हूँ। ये शिक्षा सिर्फ मुझे हो, क्योंकि ये विचार मेरा है, इसलिए मैं कपिल वस्तु छोड़कर, अपना राजपाट छोड़कर यहाँ से निकल जाता हूँ। ऊपर से कौशल नरेश नाराज ना हो, इसलिए उन्होंने वचन दिया कि ये शिक्षा के रूप में वे नहीं जाएंगे, वे सन्यासी बनकर, परिव्राजक बनकर अपने राज का, अपने घर का, कपिल वस्तु का त्याग करेंगे। अपने तत्वों को जतन करने के लिए, अपने परिवार पर आंच ना आए इसलिए, और दुखों का कारण और उस पर उपाय योजना ढूंढने के लिए भगवान बुद्ध ने उम्र के बस 29 साल में अपने सारे सुख, अपने सारे ऐशो आराम, अपना राज, अपने माता पिता, अपनी पत्नी, इतना ही नहीं अपना छोटा दूध पीता बच्चा भी त्याग किया और वे कपिल वस्तु से बाहर चले गए, संन्यास ले गए। और आखिर में बोधि वृक्ष के नीचे गया के यहाँ उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध संबुद्ध बने। उसके बाद उन्होंने कई लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और जब वे 80 साल के थे तब कुशीनगर के यहाँ उनका महापरिनिर्वाण हुआ। ऐसे दयालु, अहिंसावादी, शांति प्रिय और प्रेम का प्रचार करने वाले बौद्ध धर्म के बारे में हम देखेंगे हमारे दूसरे भाग में। नमस्कार।